हाय फ्रेंड्स आज मैं एक एंटी एलर्जिक एंड एंटी अस्थमेटिक टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं अरामोल ए एम टैबलेट एस आर ब्रांड से यह मार्केट में उपलब्ध होता है सिंडिकेट लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है एलर्जी के लक्षणों को दूर करने के लिए साथ ही साथ अस्थमा रोग को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है कीमत की अगर बात करें तो टेन टैबलेट का एक स्टिप मार्केट में वन हंड्रेड एंड एट्टी फोर रुपीज़ का उपलब्ध होता है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिख मुझे ज़रूर बताएँ आइए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कम्पोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें मॉन्टी लोकॉस्ट टेन मिलीग्राम की मात्रा में फैक्सोफेनाडिन 1.20 मिलीग्राम की मात्रा में और एसिब्रोफाइलिन 200 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके कुछ अन्य वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स इफिन प्लस टैबलेट जिसे नोवोजेन टैप के द्वारा बनाया जाता है एसीब्रो थ्री डी एस आर टैबलेट जिसे वेल ओके फार्मा के द्वारा बनाया जाता है मोंटी लाइफ थ्री डी टैबलेट एस आर जिसे मेडिसरी हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है एरोमोल ए एम टैबलेट जिसे सिंडिकेट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और एफबैक्स एम टैबलेट जिसे इंड ब्लू फार्मा के द्वारा बनाया जाता है फ्रेंड्स मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध कुछ ये ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की स्थिति पर भी परचेस करके अपना काम चला सकते हैं आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मोलिक्यूल होता है वह सेम होता है अब इसके कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स तो जैसा कंपोजिशन के सेक्शन में बताया है मैंने इसमें जितने भी कंटेंट है वो सारे एंटी एलर्जिक कंटेंट हैं और एलर्जी के कारण होने वाली जितनी भी स्थितियां होती हैं जैसे नाक से पानी का बहना आंखों से आंसू का निकलना अस्थमा का होना स्किन में रेसेस का होना इचिंग का होना एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस का होना ऐसे सारी कंडीशंस में यह मेडिसिन अच्छा वर्क करती है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो फ्रेंड्स जिम चलाना उल्टी आना पेट में दर्द होना दस्त का लगना स्किन में रेसेस का होना फ्लू लाइक या सर्दी जैसे लक्षणों का आना रेसेस का होना स्किन में हाइप्स का होना इचिंग होना ड्राउजीनेस डलनेस लगना ब्रीथिंग में प्रॉब्लम का होना सिर दर्द होना और वाइट ब्लड सेल्स का बढ़ जाना इसके कुछ कामन साइड इफ़ेक्ट के रूप में नोट किए गए हैं अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए तो फ्रेंड्स आपको इस मेडिसिन को डॉक्टर के द्वारा जितने दिन और जितने समय लेने की एडवाइस की गई है आपको उसी हिसाब से आपको मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए इसे साबुत निकलना चाहिए चबाना तो, तोड़ना कुचलना या पीसना नहीं चाहिए इस मेडिसिन को भोजन के साथ भी ले सकते हैं भोजन के बाद भी ले सकते हैं और भोजन के पहले भी ले सकते हैं परंतु आपको मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लेना चाहिए क्योंकि यह मेडिसिन की गुणवत्ता को इन्हेंस करता है अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करता है तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया कंपोजिशन के सेक्शन में इसमें तीन प्रकार के टैबलेट्स होते हैं यानी तीन प्रकार के कंपोजिशन इसके मॉलिक्यूल होते हैं इसमें मॉन्टिल्योकास्ट होता है फेक्सोफेनाडिन होता है और एसिब्रोफाइलिन होता है मोन्टिलुकास्ट एक ल्यूकोट्री एंटोगिस्ट है और शरीर से निकलने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जैसे ल्यूकोट्राइन को उसके जो रिलीज़ होता है उसको ब्लॉक करता है जिसके कारण इन्फ्लामेशन जो होता है वह रिड्यूस होता है नाक के अंदर जो एयरवेज होता है उसका इन्फ्लामेशन जो होता है वह कम करता है जिसके कारण आपको एलर्जी के लक्षणों में राहत मिलती है फेक्सोफेनाडिन एक एंटी एलर्जी कंटेंट है और आपके जो एलर्जी के लक्षण रहते हैं जैसे नाक का बहना आंखों से पानी निकलना छींक वगैरह का आना इसमें आपको राहत दिलाता है एसिब्रोफाइलिन की जो कंटेंट होता है वह एक म्यूकोलाइटिक कंटेंट होता है और आपका जो बलगम होता है जो कड़ा बलगम जो बाहर नहीं निकल पाता उसे लूज करता है उसे ढीला करता है और जो बलगम होता है आपके फेफड़े में अंदर जो जमा होता है उसे बाहर निकालने में आपकी मदद करता है ये सारे मॉलिक्यूल इंटीग्रेटरी वर्क करते हैं एक साथ काम करते हैं जिसके कारण आपको अस्थमा जैसे सीवियर कंडीशन से बचने में मदद मिलती है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को अस्थमा को रोकने के लिए लेने की आपको एडवाइस दी जाती है साथ ही एलर्जिक लक्षण जो मैंने पहले आपको बताए हैं उन्हें भी दूर करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस दी जाती है मेडिसिन को रोज़ाना निश्चित समय पर लेना चाहिए अच्छा होगा कि आप मेडिसिन को इवनिंग के टाइम पर लें क्योंकि अस्थमा का अटैक भी उसी समय पर अधिक होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको फलों के रस से परहेज करना चाहिए जैसे एप्पल का जूस है या ओरेंज का जूस है या अंगूर का जूस है इस इसको लेने से मेडिसिन की जो इफेक्टिवनेस होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है यह मेडिसिन जो है तुरंत काम नहीं करती और अचानक से होने वाली जो सांस की समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सांस जैसे लेने में अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है परेशानी हो रही है तो आपको ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी सांस की नलियों को चौड़ा करके वा वायु को अंदर जाने में सुगमता प्रदान करती है इसमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होता इसलिए यह मेडिसिन लॉन्ग यूज के लिए है आगे चलकर इस मेडिसिन का बेनिफिट समझ में आता है लेकिन अगर आप किसी इमरजेंसी एक्यूट कंडीशन से गुजर रहे हैं तो उस कंडीशन में यह मेडिसिन आपको वर्क नहीं करेगी उस कंडीशन पर आपको ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन को उपयोग करना पड़ेगा इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको रेगुलर ब्लड चेक कराना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार का हार्म आपको हो सकता है इस मेडिसिन को लेने के दौरान 30 मिनट या 40 मिनट के दौरान आपको किसी भी प्रकार का एंटासिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यह मेडिसिन के एब्जॉर्बन को कठिन बनाता है और मेडिसिन अच्छा वर्क नहीं करती है इस मेडिसिन को लेने के दौरान अगर आपको किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो आपको इस इसके बारे में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए बिना डॉक्टर के परामर्श के बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको मेडिसिन को अचानक से कभी भी बंद नहीं करना चाहिए अब इसके सेफ्टी फ़ीचर्स की अगर बात करें फ्रेंड्स तो मेडिसिन के उपयोग के दौरान आपको एल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है अगर आप गर्भावस्था में हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो यह बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें इसके पश्चात मेडिसिन का सेवन करें इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपका जो कंसंट्रेशन होता है वह थोड़ा सा कम होता है इसलिए मेडिसिन को लेने के पश्चात आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए बचना चाहिए किसी प्रकार के कॉम्प्लीकेशंस आपको हो सकते हैं आपकी दृष्टि प्रभावित हो, होती है धू आती है थोड़ा सा नींद नींद जैसी स्थिति बनती है इसलिए आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श के बिना मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें तो फ्रेंड्स ये थे एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर लगातार मेडिसिन के रिव्यू आते रहते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए गुड बाय आपका दिन शुभ हो जय हिंद